रणथंभौर सहित प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए पर्यटन सीजन में बुधवार को सामूहिक अवकाश रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक बड़ी सौगात झुंझुनू को मिलने वाली है। वन विभाग 5 जून से जिले के बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू करने जा रहा है। गौरतलब है कि 7,018 हेक्टेयर में फैले बंसियाल वन क्षेत्र को 2017 में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। इसके बाद से यहाँ पैंथर लाकर छोड़े जाने लगे। पहाड़ी और घना जंगल होने से यह इलाका पैंथर को रास आ रहा है और इनका कुनबा बढ़ने लगा। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में हिरणों और बाघों के साथ भालुओं का भी कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। डीटीआर प्रशासन के मुताबिक मौजूदा समय में दुधवा टाइगर रिजर्व में करीब 150 भालू हैं, जबकि एक दशक पहले तक इनकी संख्या महज 70 थी। बेहतर माहौल मिलने के कारण भालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ साहेब का सेल्फी लेते हुए महंगा मोबाइल पानी में क्या गिरा। साहेब ने 12 लाख लीटर पानी बांध से खाली करवा दिया। अब जिला कलेक्टर करवा रहे हैं मामले की जांच। जयपुर में तूफान आने के बाद कई जगह अव्यवस्था फैल गई। वन्यजीव प्रेमी राजकुमार चौहान ने शेयर की तस्वीरें। मैसूर से नरसीपुर और हुनसूर तालुक से वन विभाग ने 2 तेंदुओं को किया रेस्क्यू। झुंझुनू के खेतड़ी बंसियाल और मनसा माता उदयपुर वाटी में 5 जून को शुरू होगी लेपर्ड सफारी। डीएफओ श्री राजेंद्र हुड्डा ने दी जानकारी। मनसा माता लेपर्ड सफारी में लग सकता है कुछ समय। राजस्थान में वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिवस के अवसर पर 3 पॉलिसी रिलीज की जाएंगी, जिनमें 1 फॉरेस्ट पॉलिसी 2023, दूसरी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2023 और तीसरी ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2023 मुख्य होंगी। वाइल्ड इंडिया न्यूज की टीम ने की घोड़ावण कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर के कर्मचारियों से खास मुलाकात। जाना कैसे बचाया जा रहा है, घोड़ावण को किन खास बातों का रखा जा रहा है ख्याल, वाइल्ड इंडिया न्यूज लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम घोड़ावण के रखवाले। सीरीज में विलुप्त की कागार पर घोड़ावण तुम्हें जीना होगा। मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व, जिस पर जंगल बुक आधारित है, 1965 में बना अभयारण्य, 1975 में बना नेशनल पार्क और 1992 में बना टाइगर रिजर्व। खैर राजस्थान की बात अनोखी और अलग है। यहाँ बिना नेशनल पार्क का दर्जा पाए कुछ वन्यजीव अभयारण्य बन जाते हैं टाइगर रिजर्व, जिसका जीता जागता उदाहरण है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व।